हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। देखो 13 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक तो काफ़ी सारा कंटेंट आने वाला है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। अब ये क्या कुछ होगा रिलीज उनसे की बात करेंगे इसी वीडियो में, तो चलिए शुरू कर लेते हैं बिन देरी किए दोस्तों। तो सबसे पहले बात करेंगे अमेजन प्राइम पे क्या कुछ रिलीज हो रहा था। अमेजन प्राइम पे 15 जुलाई को रिलीज हो रहा है कॉमिकस्तान का सीजन 3, जो आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगा। अब चलते हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार की तरफ। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे क्या कुछ रिलीज हो रहा है दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे 13 जुलाई की। तो आपको बता दें 13 जुलाई को मिस मार्वल का लास्ट एपिसोड आपको देखने को मिलने वाला है, जो हिंदी के साथ तमिल तेलुगु में भी देखने मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और ये लास्ट एपिसोड है, जिसने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी अब वो देख सकता है 13 जुलाई को कंप्लीट सीरीज को। बात करेंगे 15 जुलाई को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे क्या रिलीज हो रहा है, तो दो कंटेंट काफी बड़े-बड़े रिलीज हो रहे हैं। पहला है सूरवीर, जो एक धमाकेदार सीरीज होने वाली है, और ये सीरीज आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी 15 जुलाई को ही दोस्तों। बात करेंगे वहीं पर एक और कंटेंट रिलीज हो रहा है, जिसका नाम है जॉम्बीज 3, जो कि एक फिल्म होने वाली है, लेकिन ये इंग्लिश फिल्म है और इंग्लिश ही भाषा में देखने को मिलेगी। फिल्म अच्छी खासी है, इसलिए मैंने इसे लिस्ट में ले लिया, वरना मैं इंग्लिश की चीजें ज्यादातर लिस्ट में नहीं लेता हूं, आप तो जानते हो दोस्तों। अब चलते हैं G5 की तरफ। G5 पे क्या कुछ रिलीज हो रहा है, तो 15 जुलाई को G5 पे दो बड़े कंटेंट रिलीज हो रहे हैं। पहला कंटेंट होने वाला है जन्नत में जारी, जो कि एक सोशल कॉमेडी ड्रामा फिल्म होने वाली है नुसरत भरूचा की। ये फिल्म आपको 15 जुलाई को देखने को मिलने वाली है G5 पे दोस्तों। वहीं पर दूसरा कंटेंट होने वाला है मानीला टैंक, जो कि एक तेलुगु सीरीज होने वाली है, और ये 15 जुलाई से आपको तेलुगु भाषा में G5 पे देखने को मिलने वाली है वैसे तो। अब चलते हैं चौपाल टीवी पर, पंजाबी इंडस्ट्री का काफी अच्छा खासा, देखो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको 17 जुलाई को एक अच्छी खासी फिल्म, जिसका नाम है मुंजनन ऑगेस्ट्रा, ये पंजाबी फिल्म आपको देखने को मिलने वाली है 17 जुलाई को चौपाल टीवी पर दोस्तों। अब चलते हैं आहा टीवी पर, तो आहा टीवी पर साउथ का काफी सारा कंटेंट आता है, तो यहाँ पर क्या कुछ रिलीज हो रहा है आपको बता दो। आहा टीवी पर 15 जुलाई को दो बड़े कंटेंट रिलीज हो रहे हैं, एक है मां मनी थन, जो कि एक तमिल फिल्म होने वाली है, और ये 15 जुलाई को आपको आहा टीवी पर तमिल भाषा में ही देखने को मिल जाएगी। वहीं पर बात करेंगे दूसरा बड़ा कंटेंट जो होने वाला है समाथमे, ये भी एक तेलुगु फिल्म होने वाली है, ये फिल्म भी आपको तेलुगु भाषा में ही देखने को मिल पाएगी। अब चलते हैं भाई सबसे बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी कि नेटफ्लिक्स पर, तो नेटफ्लिक्स पर क्या कुछ रिलीज हो रहा है, तो चलते हैं 13 जुलाई से स्टार्ट करते हैं। तो 13 जुलाई को क्या कुछ रिलीज हो रहा है, 13 जुलाई को जो पहला कंटेंट रिलीज हो रहा है वो हो रहा है डीबी कूपर वेयर आर यू सीरीज, ये आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर दोस्तों। वहीं चलते हैं 14 जुलाई को, तो 14 जुलाई को नेटफ्लिक्स पे क्या कुछ रिलीज हो रहा है, तो यहाँ पर दो बड़े शो रिलीज हो रहे हैं, जैसे कि पहला है रेसिडेंट इवल सीरीज, और ये सीरीज आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर। जी हाँ दोस्तों, जिसने रेसिडेंट इवल फिल्में देखी हैं उनके लिए ये सीरीज काफी अच्छी खासी होने वाली है। वहीं पर दूसरा कंटेंट जो कि 14 जुलाई को रिलीज होगा, जिसका नाम है कुंफू पांडा, जो कि एनिमेशन सीरीज होने वाली है, और ये सीरीज आपको हिंदी में देखने को। अब चलते 15 जुलाई को क्या कुछ रिलीज हो रहा है, वैसे तो काफी सारा कंटेंट 15 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रहा है। पहला हो रहा है पर्सुशन फिल्म, जो कि आपको हिंदी में देखने को मिलने वाली है नेटफ्लिक्स पर दोस्तों। वहीं पर बात करें दूसरा कंटेंट जो होने वाला है जादूगर, जो कि कॉमेडी ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिसके अंदर आपको जीतू भैया पंचायत सीरीज वाले ही नजर आने वाले हैं, ये भी आपको 15 जुलाई को देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पे दोस्तों। वहीं बात करेंगे नेक्स्ट कंटेंट जो होने वाला है रीमैरिज डिजायर, और ये सीरीज भी आपको हिंदी में देखने को मिलने वाली है नेटफ्लिक्स पे 15 जुलाई को ही दोस्त। अब चलते हैं 17 जुलाई की तरफ, तो 17 जुलाई को यहां पर एक अच्छी खासी मलयालम फिल्म, जिसका नाम है वासी, ये आपको देखने को मिलेगी 17 जुलाई को, जो आपको खाली मलयालम भाषा में ही देखने को मिल पाएगी दोस्तों। तो अब एक नजर मान लेते हैं सिनेमा की तरफ भी, तो सिनेमा 14 जुलाई को जो रिलीज हो रहा है वो हो रहा है द वॉरियर, जो कि तेलुगु फिल्म होने वाली है, लेकिन ये तेलुगु के साथ तमिल भाषा में रिलीज होगी, जिसके अंदर आपको रामपोथी नैनी नजर ही आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं 15 जुलाई, तो 15 जुलाई को काफी सारी फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। पहली जो फिल्म रिलीज हो रही है वो हो रही है शाबाश मिट्टू, जो कि हिंदी इंडस्ट्री की काफी अच्छी खासी फिल्म, बायोपिक फिल्म होने वाली है, और इसके अंदर आपको तापसी पन्नू नजर आएंगी, और ये 15 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। वहीं पर दूसरी जो फिल्म है वो हिट द फर्स्ट केस, राजकुमार राव की अपकमिंग थ्रिलर फिल्म, ये भी आपको 15 जुलाई को सिनेमाघरों में देखने को मिलने वाली है। वहीं बात करेंगे नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है बाजरे दा सिट्टा, जो कि एक पंजाबी मूवी होने वाली है, कॉमेडी ड्रामा फिल्म, ये आपको 15 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होती मिल जाएगी। वहीं बात करेंगे नेक्स्ट फिल्म तू राजी रे, जो कि गुजराती फिल्म होने वाली है, और ये आपको सिनेमाघरों में मिल जाएगी 15 जुलाई को ही दोस्तों। वहीं बात करेंगे नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है द ग्रे मैन, और द ग्रे मैन को देखो थिएटरों में रिलीज किया जा रहा है 15 जुलाई को, वैसे तो 22 जुलाई को ये नेटफ्लिक्स पर आ ही जाएगी दोस्तों। बात करेंगे नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है माई डियर भूतम, जो कि तमिल फिल्म होने वाली है, और तमिल इंडस्ट्री की ये काफी अच्छी कॉमेडी ड्रामा फिल्म होने वाली है, जो तमिल में ही रिलीज की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है अरविंद मिजहल, जो कि एक तमिल फिल्म होने वाली है, और ये भी तमिल ही भाषा में आपको देखने को मिलेगी। तो यही था वो कंटेंट जो आने वाला 13 जुलाई से 17। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।